हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रुक्मणी चौधरी और जहाँ पे भी आप हमें देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में। तो इस पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ट्यूमर यानी गांठें क्या होती हैं, हम नॉर्मल एक साधारण ट्यूमर की भी बात करने वाले हैं और उसके बाद जो पूरा टॉपिक हमारा रहेगा वो ब्रेन ट्यूमर के ऊपर रहेगा, यानी ब्रेन ट्यूमर क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, क्या इनके पीछे वजह होती है, क्या इनके लक्षण साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, कैसे जांच की जाती है, कौन कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आप यूज कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ट्यूमर की कि ट्यूमर क्या होते हैं। देखिए नॉर्मली क्या होता है, हर जगह जो सेल्स होती हैं नॉर्मल होती रहती हैं, सेल्स ग्रो करती रहती हैं, मल्टीप्लाई करती रहती हैं और जो पुरानी सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो डेड होके निकलती रहती हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता रहता है, जैसे जैसे उनका सेल साइकिल कंप्लीट होता है इस तरीके से होता रहता है। बट कैंसर में अगर हम ट्यूमर की बात करें तो दो तरह के मेन ट्यूमर होते हैं, एक होते हैं बिनाइन और एक होते हैं मैलिग्नेंट। बिनाइन का मतलब है नॉन कैंसरस, यानी वो इस तरह से हैं कि वो कैंसर कॉज नहीं करते हैं, अलग अलग तरह के उनके लक्षण होते हैं। बट जो मैलिग्नेंट हैं उनका मतलब है कैंसरस, उनके अलग लक्षण होते हैं और वो मैलिग्नेंट का मतलब है कैंसरस हैं और वो पूरी बॉडी में मेटास्टेसिस के थ्रू जा भी सकते हैं, उनमें कैंसरस चेंजेस आ गए हैं, एबनॉर्मल ज़्यादा सीवियर चेंजेस आने की वजह से उनको मैलिग्नेंट कहा जाता है। तो ये बेसिकली दो तरह के ट्यूमर्स होते हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट। तो ये इनका कैटेगराइजेशन होता है नॉर्मली। और अगर हम बात करें ब्रेन ट्यूमर्स की तो ब्रेन ट्यूमर्स को भी इसी तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। नॉर्मली अगर हम बात करें ब्रेन ट्यूमर्स की कि क्यों इसको स्टडी करना इतना ज़रूरी है, देखिए इनके कॉम्प्लिकेशन कुछ ज़्यादा सीवियर होते हैं क्योंकि जो आपका स्कल होता है वो आपके ब्रेन को इंटैक्ट करके रखता है, यानी बचा के रखता है। तो अगर ब्रेन में इनसाइड ऑफ द स्कल कोई ट्यूमर है वो ग्रो कर रहा है तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे प्रेशर डाल सकता है, वो रप्चर कर सकता है, तो इसलिए इसके कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो सकते हैं। तो जैसा कि हमने आप इनिशियली बात करी थी कि बिनाइन होते हैं ट्यूमर्स और मैलिग्नेंट होते हैं, ट्यूमर्स में बेसिकली क्या होता है कि एबनॉर्मल सेलुलर कलेक्शन हो जाता है, यानी जो कोशिकाएं होती हैं जो हमने बात करी है कि नॉर्मली बनती रहती है निकलती रहती हैं, बट ट्यूमर में एबनॉर्मल सेलुलर मास यानी वो डेवलप होती रहती हैं, उनकी डेथ होने के निकलने के बजाय वो वहीं पे इकट्ठा होती जाती हैं और एक ग्रुप बना लेती हैं, एक मास बना लेती हैं एबनॉर्मल सेल्स, यानी वो नॉर्मल नहीं होती हैं और उनकी वजह से कई सारे कॉम्प्लिकेशंस देखे जाते हैं और वो जो बिनाइन है वो कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये बेसिकली दो तरीके का कैटेगराइजेशन है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स की। देखिए टाइप्स ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स, ब्रेन ट्यूमर्स हैं, नाम से ही पता लग रहा है कि आपके ब्रेन्स में होते हैं। और ब्रेन ट्यूमर्स भी दो तरह के होते हैं, यानी टू टाइप्स के होते हैं। एक आता है प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स, प्राइमरी का मतलब होता है कि वो उसी ऑर्गन में है, यानी ब्रेन ट्यूमर अगर बना हुआ है तो वो वहीं पर बना है, ब्रेन सेल से ही बना है, तो वो प्राइमरी होता है। बात करते हैं सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर्स की। सेकेंडरी का मतलब है कि वो कहीं और बना हुआ है, कहीं का भी ट्यूमर हो सकता है, वो ब्रेस्ट कैंसर का हो सकता है, किडनी कैंसर, कहीं और आपके दूसरे बॉडी पार्ट का कैंसर है और वो मेटास्टेसिस के थ्रू यानी स्प्रेडिंग हुई है उसकी। कैंसर में क्या होता है, बिल्कुल लास्ट स्टेज में मेटास्टेसिस, जिसका मतलब होता है कि जो ट्यूमर है ट्रैवल करके किसी दूसरे ऑर्गन तक पहुंच सकता है। तो मान लो अगर आप वो किडनी का है तो वो ब्रेन तक आ सकता है, तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर्स। तो अगर बात करें प्राइमरी की तो देखिए इनका नाम ऐसे ही दिया गया है कि जहां का ट्यूमर होता है उसको वही नाम दे दिया जाता है। और यहाँ पे हम बहुत ही कॉमन ट्यूमर्स की बात करने वाले हैं, ये वैसे बहुत तरह के ट्यूमर्स होते हैं। सबसे पहले आता है ब्रेन सेल्स का, जो सबसे कॉमनेस्ट है वो है ग्लियोमास। ग्लियोमास वो ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं जो ब्रेन आपकी ग्लियल सेल्स होती हैं, जो कि ब्रेन सेल्स को पूरे वहां के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, एक सपोर्ट करती हैं। तो अगर इनका ट्यूमर बन जाता है तो हम इनको ग्लियोमास कहते हैं। उसके बाद इसमें आता है मेनिंजेस। देखिए मेनिंजेस क्या होती हैं, नॉर्मली जो आपका ब्रेन होता है उसके बाहर एक परत हम कहें या फिर कहें थिन लेयर, जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखती है, बचा के रखती है, उसको हम मेनिंजेस कहते हैं, थिन मेम्ब्रेन है। तो अगर उसका ब्रेन का अगर ट्यूमर है, जो हमने अभी बात करी ग्लियोमास है, जो मेनिंजेस है परत है उसका भी ट्यूमर बन सकता है।
उनको मेनिंजियोमास कहा जाता है। और आपके ब्रेन के अंदर ग्लैंड्स भी होती हैं, यानी ग्रंथियां भी होती हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, अगर इनमें ट्यूमर हो जाता है तो उनको उनका नाम दे दिया जाता है, यानी ग्रंथियों में भी ट्यूमर हो सकता है। तो कहीं का भी ट्यूमर हो सकता है और उसके अकॉर्डिंगली उसके सिम्टम्स भी होते हैं कि कहाँ का ट्यूमर है, उसके अकॉर्डिंगली साइज के अकॉर्डिंगली और जगह के अकॉर्डिंगली इनके सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर की। जैसा कि हमने आपको बताया सेकेंडरी यानी दूसरे ऑर्गन से आया है, तो बॉडी में आपको कहीं का भी कैंसर है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, लंग कैंसर है, किडनी कैंसर है, स्किन कैंसर है, वहां का जो है ट्यूमर ट्रैवल करके ब्रेन तक आ सकता है, तो उसको सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। बात करते हैं कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स की कि ये क्यों होते हैं ब्रेन ट्यूमर्स, क्या इनके पीछे वजह है। देखिए, नॉर्मल जो कैंसर के कारण है वही ऑलमोस्ट हर एक ट्यूमर के कारण रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कुछ अलग से हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले देखा जाता है फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक्स वैसे बहुत रेयर है बट हाँ एक रिस्क फैक्टर्स की तरह काम करता है। एज इसमें माना जाता है, जैसे जैसे एज होता है वैसे वैसे देर आर चांसेस होते हैं कि ब्रेन ट्यूमर हो। और उसके बाद केमिकल एक्सपोजर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केमिकल एक्सपोजर मान लो आपका वर्क एनवायरनमेंट ऐसा है वहाँ पे केमिकल बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में है आप उसके, तो वो एक कारण बनता है। और आयोनाइजिंग रेडिएशन इसमें माना गया है कहीं ना कहीं, या फिर कोई थेरेपीज है, जैसे मान लो आप कैंसर के लिए कोई और अदर बॉडी ऑर्गन का कैंसर है उसके लिए आप थेरेपीज ले रहे हैं तो रेडिएशन के आप कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो फिर से आपको ट्यूमर एक रिस्क फैक्टर्स की तरह काम करता है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, बाकी हर एक पेशेंट का अपना हिस्ट्री होता है अकॉर्डिंगली। बात कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स की, कि लक्षण की, कि अगर ब्रेन ट्यूमर्स है तो क्या लक्षण होते हैं। देखिए, ब्रेन ट्यूमर है तो आपके ब्रेन से, ब्रेन का जो हमारा कोऑर्डिनेशन है, बैलेंस का काम है, स्पेशल सेंसेस है हमारे, जो स्पेशल ऑर्गन्स स्पेशल सेंस हमें देते हैं, ये सभी चीज़ें आपके अफेक्ट होंगी। बाकी आपके कहाँ पे हैं लोकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, साइज के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या सिम्टम्स हैं। मेन सिम्टम्स की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका सिम्टम देखा जाता है हेडेक, इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा सरदर्द बना रहता है और स्पेशली मॉर्निंग में जैसे ही पेशेंट उठता है बहुत ज़्यादा सरदर्द होता है। और मान लो सर घुमाते हैं टर्निंग के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा चक्कर आना और सरदर्द लगातार बने रहना, और नींद के टाइम पे भी वाइल स्लीपिंग पेशेंट में ये कंप्लेन देखी गई है कि स्लीपिंग के टाइम में भी अचानक से सरदर्द होना इसका एक बहुत ही कॉमन मेजर सिम्टम है। उसके बाद आता है इसमें वॉमिटिंग। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, जब भी वॉमिटिंग उल्टी आती है तो पहले उल्टी जैसा मन होता है उसके बाद उल्टी आती है, बट ब्रेन ट्यूमर्स में ऐसा देखा गया है कि वॉमिटिंग विदाउट नोजिया, यानी आपको ऐसा कुछ फील नहीं होता है, डायरेक्टली वॉमिटिंग हो जाना भी एक इसका मेजर सिम्टम निकल के आता है। और उसके बाद है विजन प्रॉब्लम। देखिए, क्रेनियल नर्व्स हैं जो आपको अलग अलग क्रेनियल नर्व्स है का अलग अलग बैलेंस अलग अलग काम होता है, तो वो कोई भी अगर अफेक्ट हो जाती है, अगर हम बात करें ऑप्टिक नर्व की आईज में, तो अगर वो अफेक्टेड है तो वो आईज के सिम्टम देगी। तो हर एक अब क्रेनियल नर्व्स क्या है, जो ब्रेन से जो नर्व्स हैं हर एक नर्व का अलग अलग काम है, तो कहीं कोई से भी नर्व्स का अगर मान लो प्रॉब्लम है, ट्यूमर है, तो वहीं से ही आपका वही पार्ट अफेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लो आपका वॉकिंग का कोऑर्डिनेशन के लिए है तो वो आपका अफेक्ट हो जाएगा, या आपका टेस्ट का है तो वो भी अफेक्ट हो जाएगा, स्वाद का, सुनने का, तो ये सारे जो भी क्रेनियल नर्व अफेक्ट है वो अपने सिम्टम्स देगी, सुनने में दिक्कत होना, टेस्ट का बदल जाना, विजन प्रॉब्लम, डबल दिखाई देना, डिप्लोपिया हम जिसको कहते हैं। और इसमें सिम्टम निकल के आते हैं सीजर, फिट्स, एपिलेप्सी, यानी जिसको हम दौरा पड़ना कहते हैं, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाना, बैलेंस में प्रॉब्लम, पेशेंट की मेमोरी बहुत अफेक्ट होती है, पेशेंट की याददाश्त जैसे चीज़ों को याद रखने में दिक्कत होना, बोलने में दिक्कत होना, लिखने में दिक्कत होना, ये सब भी इसमें देखा गया है, मेमोरी लॉस, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम, ये भी चीज़ें हैं, नमनेस, टिंगलिंग, यानी आपको महसूस नहीं होना, नमनेस हो जाना, ब्लड सर्कुलेशन कमज़ोर हो जाना, मांसपेशियों का कमज़ोर हो जाना, क्योंकि ब्रेन से ही सब कुछ रेगुलेशन है, तो अगर वो नर्व्स अफेक्टेड है तो वो सिम्टम्स आपको दे सकती हैं। बाकी पेशेंट के और सीवियरिटी के ऊपर और लोकेशन एंड साइज के ऊपर डिपेंड करते हैं। फिर बात कर लेते हैं इसके डायग्नोसिस की, कि इसकी जांच कैसे की जाती है, क्या टेस्ट इसके लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहले देखिए, पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी आपके न्यूरोलॉजिकल टेस्ट जो हमने बात करी थी स्पेशल सेंसेस की, सुनने का, देखने का, बोलने का, ये सारे स्किल्स, ये आपके टेस्ट किए जाते हैं। ऑप्थेल्मोस्कोप से आपका आईज का टेस्ट किया जा सकता है, पूरा एक स्टडी कर सकते हैं विजन का।
उसके बाद आपका हेड का सीटी स्कैन, एमआरआई ये भी कर सकते हैं वैल्यूज देखने के लिए, कहाँ पे लोकेशन देखने के लिए कि कहाँ पे है, क्या साइज है, काफ़ी फेयर आइडिया मिलता है, ये सब भी कर सकते हैं। एंजियोग्राफी कर सकते हैं, पूरा ब्लड सर्कुलेशन ब्लड फ्लो देखने के लिए एंजियोग्राफी किया जा सकता है। उसके बाद है स्कल एक्सरे भी कर सकते हैं, कैल्शियम्स के डिपॉजिट्स वहाँ पे पता लग सकते हैं, एक्सेस और फ्रैक्चर्स। अगर देखिए स्कल जो हमने बात करी थी इनिशियली, स्कल जो ब्रेन के सराउंड करके रखता है उसका फ्रैक्चर अगर हो जाता है, उसमें एक्स्ट्रा कैल्शियम अगर जमा हो जाता है तो आसानी से स्कल एक्सरे में पता लग जाता है। और बायोप्सी भी कर सकते हैं, बायोप्सी का मतलब है कि वहाँ से थोड़ा सा पार्ट लिया और उसको स्टडी कर लिया डिटेल में कि क्या क्या प्रॉब्लम है, कितना सीवियरिटी है। तो ये सब है इसके डायग्नोसिस स्टेप्स। फिर बात कर लेते हैं हम इसके ट्रीटमेंट की, और हमारा मेन फोकस रहेगा बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिंस ब्रेन ट्यूमर के लिए, या जनरली भी अगर हम ट्यूमर की बात करें तो उनमें भी बहुत इफेक्टिव होती है होम्योपैथिक मेडिसिंस बाकी ब्रेन ट्यूमर्स के लिए भी। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डॉक्टर रिग्वेद R17 के बारे में। देखिए ये एक मेडिसिन है जो ट्यूमर में, हर तरह के ट्यूमर में, बिनाइन में भी, मैलिग्नेंट में भी, यानी नॉन कैंसरस में भी और कैंसर वाले ट्यूमर्स में बहुत अच्छा काम करता है। और एक रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियोस में आप मेडिसिन देखते हैं उनमें से एक ही टाइम पे आप एक ही मेडिसिन यूज़ करें, और मेडिसिन के लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए होते हैं, वहाँ से आप मेडिसिन खरीद सकते हैं, वहाँ से मेडिसिन खरीद के बट एक टाइम पे एक मेडिसिन उसको थोड़ा लंबे टाइम तक यूज़ कर लें, सिम्टम्स देखें कैसे रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन का डोज आप ऊपर नीचे कर सकते हैं और आप कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो ये मेडिसिन है, ये पीने का मेडिसिन रहता है, लिक्विड है एक तरह का ये, तो आपको इसको पानी में लेना होता है 2-3 चम्मच पानी में, थोड़े से पानी में आप ले सकते हैं इसकी, और आप इसकी 10-15 ड्रॉप्स इस तरीके से है ये। तो इस तरह से डॉक्टर रिग्वेद की जर्मन की मेडिसिन है ये, तो आप ऐसा करें, और मेडिसिन को दिन में 2-3 बार खाने से पहले लगातार 2-4 हफ्ते या प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली आप लंबे टाइम तक भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक और मेडिसिन आता है A59 आता है एलन का ट्यूमर ड्रॉप, वो भी आप यूज कर सकते हैं, बट अगेन रिक्वेस्ट है एक टाइम पे ही मेडिसिन यूज करें। फिर बात करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की, यानी जो सिंगल रेमेडी होती है, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं वो कहते हैं मैम सिंगल रेमेडी बताइए। देखिए सिंगल रेमेडी ही बताते हैं, पर ये मेडिसिन क्या करती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, यानी थोड़ा और आपको बेनिफिट कर देती हैं, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन भी आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कैल्केरिया काब की। कैल्केरिया काब ब्रेन ट्यूमर में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। कैल्केरिया काब का सिम्टम है सुबह दर्द होना, समय जो कि हमने बात करी थी, इसका मेन जो सिम्टम है चीफ और कॉमन सिम्टम हेडेक होना, सुबह के टाइम पे होना, और उसके साथ साथ ही वर्टिगो यानी सर घूमना। तो कैल्केरिया काब आप यूज कर सकते हैं। कैल्केरिया काब देखिए ये मेडिसिन ऐसी है जो आप डायरेक्टली भी ले सकते हैं, ड्रॉपर लगे हुए हैं, 2-3 बूंदें डायरेक्ट जबान पे डाली और खाने से पहले दिन में 2-3 बार लगातार 2-4 हफ्ते आप यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट मेडिसिन से जलन हो तो थोड़े से पानी में आप इसको घोल के और फिर भी ले सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं हम कैल्केरिया फ्लोर की। देखिए ये कुछ कॉमन मेडिसिन हैं बट ये बहुत ही इफेक्टिव हैं हर तरह के ट्यूमर में, स्पेशली ब्रेन ट्यूमर में। तो कैल्केरिया फ्लोर का एक इंडिकेशन होता है कैल्केरिया फ्लोर की, ये हार्ट ट्यूमर्स में, स्टोनी हार्ट ट्यूमर्स यानी बहुत सख्त अगर ट्यूमर्स हैं, गांठे हैं, तो उसमें कैल्केरिया फ्लोर बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। और इसके साथ साथ वॉमिटिंग जो कि हमने सिम्टम्स में बात करी है ब्रेन ट्यूमर्स में, तो दोनों सिम्टम्स एक साथ हैं तो आप कैल्केरिया फ्लोर ले सकते हैं, एक टाइम पे एक ही मेडिसिन यूज करेगा। कॉर्निया मैग भी बहुत अच्छी मेडिसिन है ब्रेन ट्यूमर्स में। कॉर्निया मैग का यह है कि कॉर्निया मैग आप लेते हैं तो आपका कॉर्निया मैग का सिम्टम है कि आपको ब्रेन ट्यूमर के साथ साथ याददाश्त कमजोर हो जाना, मेमोरी वीक हो जाना, कॉन्सेंट्रेशन जो हमने बात करी थी यानी याददाश्त लर्निंग का एक जो प्रोसेस है वो बहुत अफेक्ट होता है, तो आप कॉर्निया मैग ले सकते हैं। लेना सेम वैसे ही है, 2-3 बूंदे सीधे जबान पे 2-4 हफ्ते। तो ये कुछ मेडिसिन हैं जो बहुत ही इफेक्टिव हैं ब्रेन ट्यूमर्स में। एक दो मेडिसिन और है, एक है प्लम्बम मैट। देखिए प्लम्बम मैट एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो ब्रेन ट्यूमर के साथ साथ अगर आपको फिट्स, सीजर, एपिलेप्सी, कन्वर्जेंस होते हैं यानी आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं ब्रेन ट्यूमर के केसेस में, तो आप प्लम्बम मैट ले सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी मेडिसिन हैं जो सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली चेंज हो सकती हैं। तो ये कुछ बेस्ट मेडिसिन हैं, होपफुली ये वीडियोज आपकी मदद कर सके। आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं। वीडियो की स्क्रीन पर अलग अलग वीडियोज डाले हुए हैं, ज्यादा जानकारी के लिए उन पर भी क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।